Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग DS that is distributor system की क्लास करने वाले हैं, क्लास 27 करेंगे. इससे पहले क्लास 26 हम कर चुके हैं, तो इस टॉपिक में आज हम लोग क्लास में जो डिस्कस करेंगे that is deadlock detection algorithm. Deadlock detection algorithm क्या होता है? Distributed deadlock detection algorithm can divide it into four classes. तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो होती है वो फोर टाइप्स में आपके क्लासेस में डिफाइन होती है, डिवाइड होती है. पहला आपका आता है पाथ पुशिंग. ओके, पाथ पुशिंग ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आगे, बट अभी के लिए देख लो. दैट इज पाथ पुशिंग, डिफ्यूजन कंप्यूटेशन, एज चेजिंग एंड द ग्लोबल स्टेट डिटेक्शन. ठीक है, तो ये चार आपके थ्योरम है या ये कह सकते हो एल्गोरिथम है जो कि आपके डेडलॉक डिटेक्शन के लिए यूज होती है. ठीक है, उसके बाद आते हैं पहला दैट इज पाथ पुशिंग एल्गोरिथम. पाथ पुशिंग एल्गोरिथम क्या होता है बेटा? किसी मैं देखो एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताती जाऊंगी, तो जो चीज़ें आपको अगर लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और कोई अदर टॉपिक ऐसा होगा जो आपको लगता है कि आपको समझना चाहिए या आपके टॉपिक में है आपका कोर्स में, तो आप मुझे वो बताइएगा, मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला आपका पाथ पुशिंग एल्गोरिथम. पाथ पुशिंग एल्गोरिथम क्या होता है बेटा? कि लाइक इन अ पाथ पुशिंग एल्गोरिथम, एक पाथ पुशिंग एल्गोरिथम में क्या होता है? वेट फॉर डिपेंडेंसी इन्फॉर्मेशन फॉर द ग्लोबल डीएफजी. तो वेट क्या करता है? ग्लोबल आपका डिपेंडेंट होता है किस पे? इन्फॉर्मेशन पे ऑफ द ग्लोबल डब्ल्यूएफजी. ग्लोबल डब्ल्यूएफजी की जो डिपेंडेंसी इन्फॉर्मेशन होती है उस पे डिपेंड करता है. इज डिसमिनेटेड इन द फॉर्म टू बी दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ वेट फॉर द डिपेंडिंग एजेस. तो डिपेंडिंग एजेस पे जो डिपेंड करता है, एक सीक्वेंस होता है एक वेट का, तो डिपेंडिंग एजेस पे वो डिपेंड करता है. ठीक है, सो ऑन सो ऑन. उसके बाद आते हैं आपका एज चेजिंग एल्गोरिथम. एज चेजिंग एल्गोरिथम क्या होता है बेटा? इन एज चेजिंग एल्गोरिथम, एक एज चेजिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि स्पेशल मैसेज कॉल्ड प्रोब्स, जो स्पेशल मैसेज होते हैं उन्हें हम प्रोब्स कहते हैं, आर सर्कुलेटेड अलोंग द एजेस ऑफ द डब्ल्यू एफ जी. तो वो डब्ल्यू एफ जी के एजेस पे ट्रांसफर किए जाते हैं, सर्कुलेट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं टू डिटेक्ट अ साइकिल, साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो मैंने ब्लॉक्ड प्रोसेस रिसीव्स अ प्रोब. अगर ब्लॉक प्रोसेस कोई है और वो मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है, प्रोब को रिसीव करता है, इट प्रोपगेट्स अ प्रोब अलॉन्ग इट्स गोइंग एजेस इन द डब्ल्यू एफ जी. तो क्या होता है, वो प्रोपगेट्स करता है उस पर्टिकुलर प्रोब को उसके आउट गोइंग एजेस की डब्ल्यू एफ जी जो होती है. ठीक है, अ प्रोसेस डिक्लेयर्स अ डेडलॉक व्हेन इट रिसीव्स अ प्रोब इनिशिएटेड बाय इट. तो जो प्रोसेस होता है उसमें वो अपना डिक्लेयर कर देता है डेडलॉक कब, जब वो रिसीव करता है प्रोब इनिशिएटेड बाय इट, मतलब अगर वो प्रोब मैसेज को इनिशिएट कर रहा है तब. ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका लास्ट दैट इज डिफ्यूजन कंप्यूटेशन बेस्ड एल्गोरिथम. नहीं, ये थर्ड है आपका, इसके बाद भी आपका एक है. तो डिफ्यूजन कंप्यूटेशन बेस्ड एल्गोरिथम क्या होती है आपकी? डिफ्यूजन कंप्यूटेशन टाइप एल्गोरिथम मेक यूज ऑफ इको एल्गोरिथम. ये इको एल्गोरिथम बनाता है टू डिटेक्ट डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए. डेडलॉक डिटेक्शन मैसेज आर सक्सेसफुली प्रोपोगेटेड. वो सक्सेसफुली प्रोपोगेट करता है थ्रू द एजेस ऑफ डब्ल्यू एफ जी, उनके एजेस ऑफ डब्ल्यू एफ जी की प्रोपोगेशन से. उसके बाद आते हैं आपका हम ग्लोबल ग्लोबल स्टेट डिटेक्शन बेस्ड एल्गोरिथम के ऊपर. तो ये ग्लोबल बेस्ड आपका जो होता है, ग्लोबल स्टेट बेस्ड एल्गोरिथम क्या होता है कि दिस एल्गोरिथम डिटेक्ट द डेडलॉक, वो डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं बाय टेकिंग अ स्नैपशॉट. स्नैपशॉट तो आप जानते होंगे, उनका स्नैपशॉट लेके of that particular system by examining it for the condition of the deadlock. उस deadlock की condition को देखने के लिए the global state graph is spread over a many sites. तो जो global state graph होता है वो spread होता है कहाँ पे? many sites में होता है. ठीक है, तो class आज के लिए इतना ही. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video please give a thumbs up and give a suggestion in a comment box. Thank you.